गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि आय। इनकम टैक्स चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कृषि आय। कृषि आय के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत में जो कृषि आय होती है वह पूर्णतः आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा 10(1) के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त है। इसे करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। भारत में ही स्थित कृषि भूमि के साथ साथ यदि विदेशों में भी यदि कोई कृषि भूमि है तो उस पर भी केवल भारत में तो सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त है, लेकिन यदि विदेशों में यदि कोई कृषि भूमि है तो उस पर केवल साधारण निवासी को ही कर देना होता है, अन्य करदाताओं के लिए कर मुक्त है। आयकर अधिनियम की धारा 211A के अंतर्गत कृषि आय से अभिप्राय निम्न आयों से होता है। भारत में स्थित ऐसी कृषि भूमि जिसका किराया प्राप्त होता है जो कि कृषि कार्यों में प्रयोग की जाती है। यदि भारत में कोई भूमि है और वह कृषि कार्यों में प्रयुक्त है और उस भूमि से यदि आपको कोई किराया प्राप्त होता है तो वह किराया पूर्णतः करमुक्त होगा, उस किराए को कृषि आय ही माना जाएगा। कृषि उपज आपकी होती है कृषि क्रियाओं करने से, और उस कृषि उपज को आप अगर बेचते हैं तो उस बेचने से जो भी आय होगी वह कृषि आय ही मानी जाएगी। और साथ ही उस कृषि उपज को यदि विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया को करना पड़ता है तो उस क्रिया से होने वाली आय भी कृषि कार्य कहलाती है। जैसे जूट के पौधे से रेशे अलग करना आवश्यक होता है, तंबाकू बेचने से पहले सुखाना आवश्यक होता है। यदि किसी भी उपज को बेचने से पहले यदि विक्रय योग्य बनाने के लिए यदि कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है जिसके बिना यदि उसका बेचना संभव नहीं है तो ऐसी क्रियाओं से होने वाली आय भी कृषि आय ही कहलाती है। यदि कृषि भूमि पर यदि कोई मकान बना हुआ है या कृषि भूमि के पास में ही बना हुआ है, इसके सहारे लगा हुआ है यदि कोई मकान, और उस मकान का प्रयोग भंडार गृह के रूप में या कृषि भूमि के मालिक द्वारा अपने रहने के रूप में यदि किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह जो भवन है वह कृषि कार्यों में ही प्रयुक्त हो रहा है और ऐसे भवन की जो भी आय होगी वह कृषि आय ही कहलाएगी और वह करमुक्त होगी। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना। भूमि का प्रयोग जब कृषि कार्य के लिए किया जाता है तो ऐसी होने वाली आय ही करमुक्त कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या शामिल है, कृषि कार्य में हम क्या क्या किसे शामिल करते हैं ये देखते हैं। कृषि करने के लिए कृषक को भूमि को तैयार करने से लेकर फसलों को कटवाकर बेचने तक अनेक क्रियाओं को करना पड़ता है। इन क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग में हम उन क्रियाओं को शामिल करते हैं जो पौधों को निकालने से पहले की जाती है, जैसे भूमि को जोतना है, उसको पानी देना है, उसमें बीज लगाना है आदि। ये क्रियाएं प्रारंभिक क्रियाएं कहलाती है। इसके पश्चात जो क्रियाएं आती हैं वे बाद की क्रियाएं कहलाती है, जैसे भूमि से पौधे को निकालने के बाद जो भी क्रियाएं की जाती है वह बाद की क्रियाएं कहलाती है, जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं वह बाद के कार्य कहलाते हैं। इनमें प्रारंभिक क्रियाओं को ही हम कृषि क्रियाओं में शामिल करते हैं, बाद की क्रियाओं को हम कृषि क्रियाओं में शामिल नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि स्वतः उगते हैं कोई बांस, जंगली वृक्ष, घास वगैरह यदि स्वतः उगते हैं तो इनको बेचने से यदि कोई आय प्राप्त होती है तो वह भी कृषि आय नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल को खरीद लेता है और फिर उसे कटवाकर बेचता है यह भी कृषि आय नहीं होगी क्योंकि उसमें कृषि कार्य नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि जब भूमि का प्रयोग कृषि कार्य में होगा तभी उससे होने वाली जो आय होती है वह कृषि आय कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल को भी खरीद लेता है और उसे बेचता है तो क्योंकि उसने प्रारंभिक कार्य नहीं किए हैं अतः उसकी आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। कृषि आय के प्रकार, कृषि आय में आप किन किन आयों को शामिल करते हैं। कृषि आय में जो कृषि कार्यों के लिए भूमि है आपकी, उस भूमि जो भी उसमें कृषि कार्य कर किए जाते हैं तो उस भूमि को यदि आपने किराए पर लिया है तो उस किराए का जो भी राशि होगी आप जो चुका रहे हैं तो ऐसे प्राप्तकर्ता को जो आय प्राप्त होगी किराए के रूप में वह कृषि आय कहलाएगी और वह पूर्णतः करमुक्त होगी। इसी प्रकार भूमि पर यदि कृषि कार्य किए जाते हैं, भूमि को जोतना है, बुआई करना है, सिंचाई करना है, पानी देना है, यदि ये कार्य किए जाते हैं तो इन कार्यों से होने वाली जो आय होती है वह भी कृषि आय ही कहलाएगी और वह करमुक्त होगी।
कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी आवश्यक होती है, अन्यथा उस उपज को बेचना संभव नहीं होता है। जैसे जूट के पौधे से रेशे करना ही आवश्यक है, उसकी सफाई करना आवश्यक है, तंबाकू को सुखाना आवश्यक है। इस प्रकार की जो क्रियाएं करना आवश्यक होता है उस फसल को बेचने के लिए, तो उन्हें हम कृषि आय ही मानेंगे। उन क्रियाओं से होने वाली जो आय होगी वह कृषि आय ही कहलाती है। कृषि उपज को बेचने से आय, कृषि उपज को यदि हम बेचते हैं तो उससे जो भी आय होगी वह कृषि आय ही कहलाएगी। कृषि में काम आने वाले मकान की आय, कृषि भूमि के सहारे ही या कृषि भूमि पर यदि कोई मकान बना हुआ है और उसका प्रयोग भंडार गृह के रूप में या उसके रहने के रूप में किया जाता है कृषक के, तो ऐसे मकान की यदि कोई आय होती है तो वह भी कृषि आय ही कहलाती है। स्पष्ट है कृषि आय के प्रकार। इसके पश्चात है अंशतः कृषि आय। कृषि आय भारत में पूर्णतः कर मुक्त लिंक कुछ दशाओं में, जैसे चाय के उत्पादन है, कॉफ़ी है, रबर है आदि, तो इनके संबंध में एक भाग तो कृषि आय माना गया है तथा तो दूसरा भाग व्यापारिक आय माना गया है। तो कृषि वाला आय जो माना गया है वह तो कर मुक्त होगा, और जो व्यापारिक माना गया है उस पर कर चुकाना होगा। जैसे चाय के उत्पादन से आय, भारत में यदि कोई करदाता चाय का उत्पादन या निर्माण करके विक्रय करता है तो ऐसी दशा में चाय का उत्पादन का जो 60% है वह आय, तो 60% आय तो कृषि आय मानी जाएगी और 40% आय व्यापारिक आय होगी। इस प्रकार करदाता को 40% आय पर कर चुकाना होगा। कॉफ़ी के उत्पादन से आय, कॉफ़ी का उत्पादन और निर्माण किया जाता है तो उसकी विक्रय से 75 जो आय होगी उसका 75% भाग तो कृषि आय माना जाएगा और उस पर कर नहीं देना होगा, और 25% आय व्यापारिक आय मानी जाएगी और उस पर कर चुकाना होगा। रबर के उत्पादन से आय, रबर का यदि उत्पादन किया जाता है तो ऐसी दशा में 65% जो आय है वह कृषि आय कहलाएगी और 35% जो आय है वह व्यापारिक आय मानी जाएगी। इस प्रकार 65% पर तो उसे कर नहीं चुकाना होगा और 35% आय पर कर चुकाना होगा। इस प्रकार क्लियर है कि भारत में कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त है, और वह कृषि आय की किन किन कौन कौन से हमारे प्रकार है उसके तहत हमने कृषि आय को बांटा गया है, और किन दशाओं में अंशतः ही कृषि आय को माना गया है, पूर्णतः कृषि आय नहीं माना गया है, वो भी क्लियर है। थैंक यू।